अब फाइनली इस टास्क का फिनाले है। हड़ीपा गेम्स कौन जीतेगा, प्रिंस या वरुण? उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आकाश एंड जयंत। आकाश इज अ डैम गुड परफॉर्मर, जयंत भी बिल्कुल कम नहीं है एंड हैज कंसिस्टेंटली परफॉर्म्ड रियली गुड। हम सब सिर्फ वेट कर रहे थे कि ये जो राउंड होगा ना वो बहुत ही धमाकेदार राउंड होगा। जो जीतेगा उसकी पूरी टीम हो जाएगी इम्यून और जो सेकंड आएगा उनको मिलेगा एडवांटेज। कंग्रेचुलेशंस, आप दोनों फिनाले तक पहुंचे। जब मैं और प्रिंस रोडी थे तो हमने कभी आपस में कभी कंपीट नहीं किया। ये पहली बार था दैट एज लीडर्स हम लोग एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हुए थे एंड दिस फर्स्ट टाइम आई नीडेड टू विन, आई वांटेड टू विन रियली बैडली। 3, 2, 1, गो! Nice one, आकाश। कुत्तों की तरह घुमा रहे हैं नेक, गुब्बारे फोड़ने के लिए। मैंने कहा ले आज तो भी गुब्बारा नहीं छोड़ दूंगा। आकाश ने मेरा पहला बैलून फोड़ दिया था, मैं डर गया था यार। आकाश ने ली लीड, इसके साथ जयंत का गुस्सा हो गया आगे। जयंत ने फिर जो अपनी चोटियों घुमा के आकाश पे वार किया है। मैं पूरा जोश में आ गया था कि भाई अब कुछ भी हो जाए मुझे फोड़ना है उसकी बैलून, अब फोड़ के ही रहना है। मैंने अपनी चोटी कस कस के घुमाने लगी एकदम जोर से, फिर मैंने उसकी एक बैलून फोड़ी, फिर हम दोनों बराबर में चल रहे थे। तो उसने मेरी एक बिल और फोड़ दी। मैं बोला यार ये क्या हो रहा भाई। Well done, आकाश। मैंने सिर्फ प्रिंस सर से एक बात पूछी, मैंने कहा सर अभी आगे कौन है, वो आगे है या मैं आगे हूँ? प्रिंस सर बोले हम आगे हैं। तो वहाँ मैं थोड़ा सा खुश हो गया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। साइड घुमा, ऐसे मत घुमा, साइड घुमा, ठीक है ये घुमा। हम काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे दैट जयंत बहुत ही अच्छा काम करेगा बिकॉज ही हैड परफॉर्म्ड अमेजिंगली इन द डिस्कस थ्रो टास्क एंड वी वर श्योर कि इस टास्क में भी वो आकाश को हरा पाएगा। एक मिनट हुआ है, 4 मिनट बचे हैं। 3, 2, 1, गो! जयंत वर्सेस आकाश का फाइट काफी इंटरेस्टिंग था क्योंकि दोनों स्ट्रांग थे और दोनों एकदम हेलीकॉप्टर जैसे सर हिला रहे थे। मैं गुस्सा फिर हुआ, फिर मैंने अपनी ताकत लगा के फिर उसकी एक बेल फोड़ी। उसने भी मेरा 2 फोड़ चुका था और मैं भी उसको 2 बेल फोड़ चुका था। राउंड वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस राउंड जो मैंने अभी तक देखा है। वो एक फोड़ता यहाँ से एक फूटता, वहां से एक फूटता, यहाँ से एक फूटता, मतलब इट वॉज अ ट्रीट टू वॉच देम बैटल इट आउट उस रिंग के अंदर। इसके पीछे से मार, ऐसे मार, ऐसे ऐसे मार। इतना क्लोज पूरा गेम चल रहा था कि एक सेकंड हमें लगता कि हम ये जीत जाएंगे, फिर आकाश फोड़ देता हमें लगता कि नहीं आकाश जीत जाएगा, बट फिर जैन फोड़ देता। सो एक ऐसी सिचुएशन थी कि हमें पता ही नहीं था क्या होने वाला था। वी वर जस्ट प्रेइंग कि बॉस जयंत तू उसके बलून्स फोड़ दे।
अब मेरे दो बैलून थे और आकाश के एक बैलून थे। अब मुझे विश्वास था कि मैं उसका बैलून फोड़ूंगा। अरे नहीं, एक तेरे पास दो बच्चे हैं। वो ऐसे ही मार रहा है, तेरे यहाँ लगेगा। तू उसका एक बाकी है, फाड़ दे फाड़ दे। अगर लग रहा है ज्यादा भारी पड़ा डिफेंस कर। चल वरुण वरुण। हम सब आंखें गड़ा के बैठे थे उन दोनों पर कि ये क्या हो रहा है। ऐसा कोई कंटेस्टेंट नहीं था जो वहां पे उस टास्क में इन्वॉल्व फील नहीं कर रहा था। गाइस लास्ट वन मिनट, कम ऑन। लास्ट का एक मिनट ही था मेरे पास। मरने का यार बिल्कुल वैसा चल रहा था जैसे क्रिकेट टीम होती है ना, धोनी के पास अभी एक बॉल पड़ी है और एक बॉल पे आपको 6 रन चाहिए, तो बिल्कुल वैसी सिचुएशन थी मेरे लिए। जब मेरे दो बैलून थे तो मैंने डांस करना शुरू कर दिया था। जयंत ने डांस किया बीच में और आकाश की बुद्धि सनक गई। उसको इतना गुस्सा आया, उसने फुल स्पीड में अपनी चोटी घुमाई। गाइस लास्ट वन मिनट, कम ऑन। पीछे से मार, ऐसे मार, ऐसे। पता नहीं उस टाइम पे कहां से पावर आई, मैंने सिर घुमाया और भाई साहब ऐसा हिट मारा, दोनों के दोनों बलून एक साथ बैम। लास्ट बॉल और वो सिक्सर गया उड़ता हुआ हवा में पवेलियन से बाहर। आकाश वर्मा की बॉल, सबके सब मेरे पास भागते हुए स्टेडियम में। प्रिंस सर भागे भागे और सीधा मेरे को उठा लिया उन्होंने। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मेरा भाई इस टाइम देख रहा होगा शो और वो खुश होगा, कितना अलग ही मज़ा आएगा। Shit man, मैं वो गेम जीत रहा था भाई, मैं वो गेम हार गया। At that moment, I was just heartbroken, क्योंकि जीत के इतने करीब आकर वो स्टार नहीं ले पाया। Good stuff, man. Good stuff. Very good. Good job, Jayan. Good job, Jayan. मैं काफी enjoy कर रहे थे, क्योंकि हार जीत तो लगी रहती है। आज वो जीता है, मैं कल जीतूंगा।